ऐसे होते हैं जिससे आप आसानी से अपने लक्ष्य तक प्राप्त कर सकते हैं, वह है ज्ञान और अपने इंद्रियों को वश में करना। इंद्रियों को वश में करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर इंद्रियां आपके वश में नहीं रही तो सदा आप अपने गोल से भटकते रहेंगे। पांचों इंद्रियों को काबू में रखना। इंद्रियां हमेशा विश्वसनीय नहीं होती, उतनी ही विश्वसनीय है जितने की इंसान की अपनी शक्ति। शक्ति किन स्रोतों से हासिल की जा सकती है? सबसे ऊपर अनंत प्रज्ञा होता है। अनंत प्रज्ञा का तात्पर्य है आपका ज्ञान, वो ज्ञान जो सही मायने में आपके गोल के लिए इम्पॉर्टेंट हो। जब दो या दो से अधिक लोग सद्भाव की भावना से संयोजित होते हैं और किसी निश्चित लक्ष्य की ओर कार्य करते हैं तो इस गठबंधन पर खुद को ऐसी स्थिति में ले जाते हैं जहाँ वे अनंत प्रज्ञा के साथ शाश्वत एक शक्ति से जुड़ जाते हैं, और वही शक्ति है एक महानतम स्रोत जो आपको आपके लक्ष्य की ओर अग्रसित करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन में केवल एक बार ऐसा अवसर आता है, यह अनोखा अवसर इतिहास का हिस्सा अपने साथ ले जाने के प्रतीक्षा और प्रगति में है। इतिहास का हिस्सा बनकर समाज और विश्व को नई चेतना दे। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहले इस प्रोग्राम को देखने, लाइक और शेयर करने के लिए आप सभी को शत शत नमन। इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य नेशन बिल्डिंग मिशन है। अगर आपको लगता है आप भी मोटिवेशन, डिवोशन, डेडिकेशन और हार्डवर्क पर बोल सकते हैं, अपनी नॉलेज, अपनी उपलब्धि जो समाज, देश और विश्व के लिए प्रेरणा बने, जो लाखों करोड़ों की जिंदगी बदल सके और समाज, देश और विश्व के लिए एक मिसाल बने, तो प्लीज़ दिए हुए नंबर पर अपना नाम, मोबाइल नंबर, डेजिग्नेशन और टॉपिक और एक मिनट स्पीच बोलकर और रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप करें। अपना नाम, अपनी ख्याति और अपने आप को विश्व के पटल पर दिखाने का समय आ गया है। यह अच्छाइयों, सच्चाइयों का प्लेटफॉर्म है। आपकी आवाज़ देश की आवाज़ है और आपकी ताकत देश की ताकत है। शेयर योर एक्सपीरियंसेस एंड नॉलेज फॉर द बेटरमेंट ऑफ वर्ल्ड। आवर टीम विल कॉन्टेक्ट यू as soon as possible. Wish you all the best. God bless you. God bless India. God bless the whole world. Please donate to promote this program. Your donation will be the great gift to my initiation. Thank you so much.